मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फार्माकोग्राफी में ग्रॉस एनाटॉमिकल स्टडी में जिंजर की स्टडी करने जा रहे हैं। जिंजर आप सबको पता ही है, हम कॉमनली घर में इस्तेमाल करते हैं, चाय में डलता है, मसालों में इस्तेमाल करते हैं, उसको हिंदी में अदरक और मराठी में भी अदरक ही कहा जाता है और हिंदी में सॉल्ट करके भी जाना जाता है। वो अगर उसको ड्राइड फॉर्म में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज हम उसका मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम पहले देख लेते हैं, बाद में आपको उसका ट्रांसफर सेक्शन में पढ़ाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। आपके सामने ये जिंजर का डायग्राम बनाया है मैंने, यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है आपने देखा होगा। जिंजर को ऐसे फिंगर्स ऐसे इस टाइप से रहते हैं, तो इसको ये जो पोर्शन रहते हैं ना, ये उंगलियों के समान दिखते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फिंगर्स, ठीक है। और एक पोर्शन उभरा हुआ रहता है, एक पोर्शन अंदर दबा हुआ रहता है, उस पोर्शन को कहते हैं, जो उभरा हुआ पोर्शन रहता है उसको कहते हैं इंटरनोड्स, और जो अंदर दबा हुआ पोर्शन रहता है उसको कहते हैं नोड्स। और आपने कई बार देखा होगा इस तरीके की धारियां और इस तरीके की हेयर्स और ऐसे स्कीम्स वगैरह प्रेजेंट रहती है जिंजर की सरफेस के ऊपर, दैट विल कॉल्ड एज स्ट्राइएशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम ऑफ जिंजर राइजोम, ओके। 2 मार्क्स का डायग्राम आता है एमएसबीटी एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए। अब हम देख रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ जिंजर। अगर जिंजर का आप ब्लेड की सहायता से एक थिन सेक्शन लेते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर फोकस करते हैं तो वो सेक्शन कैसे दिखने वाला है, वो सेक्शन इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन जो है वो हमारा शुरू होता है आउटर कॉर्क से। आपने भी देखा होगा जब जिंजर या अदरक हम घर में लाते हैं तो ऊपर एक कवरिंग रहती है और उसके बाद जो कवरिंग रहती है दैट सेल्स आर नोन एज इनर कॉर्क। तो समझ में आ गया, हमारा जो सेक्शन है सबसे पहले स्टार्ट होने वाला है आउटर कॉर्क और उसके बाद में इनर कॉर्क और उसके बाद में आपने सेक्शन में आपको बहुत सारे ऐसे येलो कलर के सेल्स दिखने वाले हैं। वो सेल्स है वोलाटाइल ऑयल और रेजिन के सेल्स, क्योंकि जिंजर में बहुत ज्यादा मात्रा में वोलाटाइल ऑयल रहता है, रेजिन रहते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, बहुत ही अच्छा फ्लेविंग एजेंट है वो, इसी वजह से हम उसको चाय में यूज करते हैं, सब्जी मसाले में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ऑयल सेल्स है इसकी वजह से वो स्पेशल उसकी फ्रेग्रेंस रहती है ना। उसके बाद यहाँ पर ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज कॉर्टेक्स, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपको 2 पोर्शन दिख रहे हैं इसको कहते हैं फाइब्रोवैस्कुलर बंडल, इसको कहते हैं फाइब्रोवैस्कुलर बंडल, और इसी में जाइलम और फ्लोएम वगैरह रहते हैं जो कंडक्शन सिस्टम के काम में आते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से जो पोर्शन है ये सर्कुलर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, दैट फर्स्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस एंड आफ्टर दैट सेकंड पोर्शन इज स्टार्टेड एंड इट कंटेन्स अगेन वैस्कुलर बंडल। यू रिमेंबर दैट हियर इज फाइब्रोवैस्कुलर बंडल एंड हियर इज वैस्कुलर बंडल, दोनों में फर्क है, ठीक है। ये फाइब्रस है और ये सिर्फ वैस्कुलर बंडल है। यहाँ पर कई जगह पर मैंने ऐसे डॉटेड पोर्शन से दिखाया हुआ है, ये स्टार्च, जैसे यहाँ पर भी डॉटेड पोर्शन से दिखाया हुआ है स्टार्च। ये स्टार्च का मतलब क्या है ये समझ लेंगे। जिंजर क्या है, एक राइजोम है, और राइजोम मतलब की स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्लांट के पास जो एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर देता है। तो जिंजर के सेक्शन को अगर आपने एक ड्रॉप आयोडीन डाला तो ये पूरे स्टार्च के जो मटेरियल है ना आपको ब्लू कलर से दिखने लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम जिंजर की स्टडी कर सकते हैं। शॉर्ट में फिर से बता रही हूँ, हमारा सेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा आउटर कॉर्क से, उसके बाद है इनर कॉर्क, और यहाँ येलो कलर के ऑयल सेल्स वोलेटाइल रेजिन ऑयल सेल्स नजर आने वाले। उसके बाद में कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में रहने वाला है फाइब्रोवैस्कुलर बंडल एंड स्टार्च पार्टिकल्स। आफ्टर दैट देयर विल बी एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस के बाद में वापस से कॉर्टेक्स का पोर्शन है, फिर से आपको वैस्कुलर बंडल्स दिखने वाले हैं और स्टार्च के पार्टिकल दिख रहे हैं। तो आज हम